ये इंजन का सर पैरामीटर है, ये ठीक है, सेफ है पहले से पैरामीटर, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बिफोर स्ट्रोक लेंथ कनेक्टिंग रोड लेंथ कंप्रेशन रेशियो कुछ नहीं, सेंसर इतना लगा हुआ है, छः टेम्परेचर सेंसर है, यस सर, T1 से लेकर T6 तक देख रहे हैं ना, ये टेम्परेचर सेंसर है। ये हो गया आपका T1 जो है जैकेट वाटर इनलेट टेम्परेचर, जैकेट वाटर जो इंजन के बाहर वाटर जैकेट लगा रहता है, T1 जो है इनलेट टेम्परेचर वाटर जैकेट, T2 जो है वो आउटलेट टेम्परेचर है वाटर जैकेट, T3 जो है कैलोरीमीटर का मतलब हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है एग्जॉस्ट में, T3 जो है वो कैलोरीमीटर का वाटर इनलेट टेम्परेचर, और T1 T3 बराबर होगा दोनों, ठीक है ना। T1 T3 सेम होगा, T1 T3 सेम होगा, ठीक है ना। जो वाटर जैकेट का इनलेट टेम्परेचर होगा वही कैलोरीमीटर का भी इनलेट टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। T2 जो है वो वाटर जैकेट आउटलेट टेम्परेचर है, T4 कैलोरीमीटर का आउटलेट टेम्परेचर है, T5 जो है वो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर है इनलेट, T6 जो है वो एग्जॉस्ट गैस का आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये सब जो है आपका एयर फ्लो और फील फ्लो मेजरमेंट करने के लिए ट्रांसमीटर लगा हुआ है वो सेंसर, ठीक है। और ये सब लोड का है, ये सब तो नहीं, लोड वगैरह बता रहा है, लोड सेल से लोड बताएगा, जो वोल्ट मीटर है वोल्ट बताएगा, ये वोल्ट वोल्टेज और ये RPM बताएगा, ठीक है ना। ये वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए, मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर पैरामीटर है, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिक कर देना, ऑटोमेटिक करना, वॉल्यूम प्रॉफिट इंडेक्स ऑटोमेटिक, रिड्यूस एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये जो है 2 पैरामीटर सेटअप पैरामीटर फंक्शन पैरामीटर, ये सब ठीक रहेगा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना, सब सेव एंड अप्लाई, ठीक है। सेव सक्सेसफुली हो गया, कहाँ पर ये डायरेक्टली नोट कर लीजिए कहाँ पर होगा, सी में है यूजर्स कैब डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, मोड ऑन करेंगे, ठीक है, कंट्रोल पैनल में मोड ऑन करेंगे, मेजरमेंट ऑन कर लेंगे, ठीक है, मोड ऑन करेंगे, मेजरमेंट ऑन कर लेंगे। और हम लोग को क्या करना है, मेजरमेंट लेंगे, ठीक है ना। परफॉर्मेंस पे जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इंजन वाटर फ्लो, ठीक है, इसको सेट करिए, और कैलोरीमीटर वाटर फ्लो इसको सेट करिए। तो यहाँ से देखिए रोटामीटर लगा हुआ है, जब रोटामीटर, ठीक है ना, ये रोटामीटर इंजन के है और ये रोटामीटर कैलोरीमीटर है,
टेंथ पोजिशन में है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ गया ना हमारे पास, अब दूसरे में क्या करेंगे, लोड फिर कैरी करेंगे, कैरी करेंगे, लोड बढ़ाएंगे यहाँ से और फिर वैसे ही लॉगअप करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, लोड बढ़ाते हैं। अभी कितने लोड कितना था, अभी 0.4 0.4 0। डायनेमोमीटर का लोड बढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ, पावर आउटपुट ज़्यादा चाहिए। जाएगा ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का आ जाएगा, थर्मल एफिशिएंसी का आ जाएगा, समझ गए ना। इधर फ्लूइड फ्लो एनालिसिस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सीधा जाइएगा तो रिपोर्ट में जाइएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे फाइल नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या किस टाइप का आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, पावर ग्राफ चाहिए कि थर्मल एफिशिएंसी ग्राफ चाहिए, ये सेफ्टी ग्राफ चाहिए, ये सब सेलेक्ट करके रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट कर दीजिएगा रिपोर्ट, ठीक है ना, वो आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पे सेव हो जाएगा जहाँ पे आप अभी सेव किए थे, यहाँ पे अभी ये वाला था ना, मशीन में थोड़ा ना अभी गड़बड़ी है, ये पानी वानी ठीक, ये देखिए मैनुअल भी है इसका, थोड़ा आइडिया लगता है, ये है देखिए, ठीक है, ये ऐसा सब बन के आता नहीं, ऑब्जर्वेशन पूरा लेने के बाद ये आपका आरपीएम हो गया, लोड हो गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी और ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गया, लेकिन ये इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, 726 आ रहा है, एडिटेड किया हुआ क्या सर, नहीं एडिटेड नहीं, ये देखिए ये तो इसका है आपका हीट बैलेंस का है, वो बाद में करना है, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये ले लीजिए, ये वाला सर, ये वाला, हाँ ये वाला, ये ले लो फोटो।